हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए समर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे इस गर्मियों में ठंडा ठंडा पुदीने का पानी, जो कि पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आपको ये बहुत ही एनर्जी देता है। आइए दोस्तों, अब इस सिंपल सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें दोस्तों, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों, अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोल ले लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला ले लिया है और थोड़ा सा काला नमक ले लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने शक्कर ले लिया पिसी हुई, और हमने एक बंच एक कप या पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों, आप इसे जल्दी बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी, और आपको ये बहुत ठंडक और बहुत एनर्जी देती है। यहाँ दोस्तों मैंने पानी ले लिया है, लगभग यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 कप जितना यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है। और जो हम पुदीने के पत्ते हैं दोस्तों, उन्हें अच्छा सा बारीक पीस लेंगे, हमें अच्छा सा उसका पेस्ट बनाना है। जैसा ही पुदीने का पानी ये पेस्ट हम तैयार कर लेंगे, इसको हम पानी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें बाकी सारे मसाले भी इसमें डालना है। पहले हम ये जितना भी जार में अगर लगा हुआ है, वो भी हम पुदीने का सारा मसाला मिलाकर इसमें डाल देंगे, ताकि पानी में जो है वो पुदीने का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों, आप कभी भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और झटपट ये बन जाता है। गर्मियों के लिए बहुत आसान, झटपट बना सकते हैं और गर्मियों में ये आपको बहुत ही एनर्जी देगी। ये देखिए दोस्तों, हमने पुदीने को अच्छे से घोल लिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जैसे कि इसमें मैंने काला नमक डाल दिया है। इसमें काले नमक को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, ताकि जो नमक है वो अच्छे से घुल जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें काला नमक मिक्स कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने पिसी हुई शक्कर डाल दी है, लगभग 1 चम्मच जितनी, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें जो मिठास है वो आ जाए, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और एक खट्टा मीठा हमें पुदीने का जो फ्लेवर है वो इसमें आएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने जलजीरा पाउडर डाला है। अगर आप जलजीरा पाउडर ना डालना चाहें, और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी जगह भुने हुए जीरे का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। उससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, तो आप वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है दोस्तों, आप कभी भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। गर्मियों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। अब इसमें हमने एक नींबू का रस डाल दिया है, ताकि इसमें खट्टा स्वाद आए, तो इसमें एक अच्छा खट्टा मीठा स्वाद आता है दोस्तों। पुदीने के फ्लेवर के साथ ये जो पुदीने का जूस है वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार इस तरीके से ट्राई जरूर करें, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा और ये गर्मियों के लिए बेस्ट रेसिपी है। एक बार इस तरीके से जरूर बनाकर देखें। इन सबको दोस्तों हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो सारे मसाले हैं, शक्कर है और जो नींबू का रस है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए दो, थोड़ा सा आप इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको लगे कि हमें इसमें शक्कर या नमक और डालना है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत जो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें। यहाँ पे मैंने 2 जार ले लिए हैं, यहाँ चाहे तो आप कांच का ग्लास भी इसमें ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नीचे जलजीरा पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास जलजीरा पाउडर ना हो तो मैं वही बोलूँगी, आप थोड़ा सा इसमें भुने हुए जीरा का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब इनमें हम थोड़ा सा ये पुदीने का पानी डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसमें पुदीने का पानी ऐड करना है। बहुत झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है और गर्मियों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी ड्रिंक है। एक बार ज़रूर बनाकर देखें ये पुदीने की ड्रिंक, जो कि पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने जार में सबसे पहले ये डाल दिए हैं पुदीने का पानी। आपको आधा आधा ही इन्हें भरना है, आप इसे पूरा ना भरें, क्योंकि अभी हम इसमें थोड़ा सा बर्फ़ भी इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे इसे ठंडा करने के लिए। और अगर आप आइस क्यूब नहीं डालना चाहते, तो जो आपने नॉर्मल पानी लिया था उसकी जगह आप चिल्ड वाटर भी ले सकते हैं, ठंडा पानी भी ले सकते हैं। तो आप इसमें आइस क्यूब ऐड तब ना करें अगर आप ठंडे पानी का यूज़ करते हैं। अच्छे से मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं। अब दोस्तों हम इसमें थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मिलाएंगे, स्प्राइट या 7 अप, जो भी आपको यूज़ करनी हो। वो अगर वो नहीं करना चाहे तो आप थोड़ा सा सोडा इसमें डाल सकते हैं, इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। और आप एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर देखें। ये देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी सी इसमें कोल्ड ड्रिंक मिला दी है, यहाँ पर मैंने स्प्राइट का यूज़ किया है। पुदीने का ये पानी दोस्तों पीने में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने नींबू के स्लाइसेस करके इसमें डाल दिए हैं और हम इनको पियेंगे दोस्तों। ये देखिए, ठंडा ठंडा हमारा पुदीने का पानी जलजीरा के साथ बनकर तैयार हो गया है। इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगा ये पुदीने का पानी। गर्मियों के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी रेसिपी है, जो आपको एनर्जी भी देगी और पीने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है।
और पुदीना है दोस्तों, तो वैसे भी आपको ठंडक देगा। एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे पुदीने के पानी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन इस गर्मियों में एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखिए दोस्तों, हमारा खट्टा मीठा पुदीने का पानी बनकर तैयार हो गया। एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।